चलिए जी, अगला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। नोट्स पे निकालो जल्दी से, देखो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। फर्स्ट पेज पे निकालो एडमिशन के नोट्स, टॉपिक्स टू बी कवर्ड में लिखवाया हुआ है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, उसके ऊपर वाले देखो सारे टॉपिक्स हो चुके हैं हमारे। चेंज इन पीएस, न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया है, न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया है, गुडविल हो गया, ओल्ड गुडविल हो गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो गया। इंदर जल्दी, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है पिछले चैप्टर का। अर्श चुप करके बैठ जाओ, आवाज नहीं आनी चाहिए थी। उधर बैठ, उधर पीछे गर्भ दे, पीछे गर्भ दे, पीछे बैठ, इधर दिखता नहीं है मैंने, उधर जो तेनू कह रहे हूं कर, गर्भ दे पीछे बैठ उधर। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आप सारे स्क्रीन पे ध्यान दो जी, जो आएगा आता रहेगा, नहीं तो कुंडी लगा देंगे। अभी पिछला हमारा टॉपिक खत्म हुआ है एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। पिछले चैप्टर में भी ये टॉपिक हमारा ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे अब मैं आपको सिर्फ स्क्रीन पे 5 मिनट में रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है जी। पिछले चैप्टर में हमने ये टॉपिक कर लिया, तो ये पिछले चैप्टर की पीडीएफ फाइल मैंने ओपन की हुई है। शिफ्ट डोर बंद करो, पिछले चैप्टर की पीडीएफ फाइल ऑन की हुई है मैंने, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। जो पिछला हमारा टॉपिक खत्म हुआ वो हुआ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस। पूरे अकाउंट्स में चार तरह की चीजें होती हैं, एक होती है प्रॉफिट लॉस, दूसरी होती है एसेट्स लाइबिलिटीज। मेरे साथ बोलोगे चार चीजें क्या क्या हैं? प्रॉफिट और लॉस, एसेट्स और लाइबिलिटीज। प्रॉफिट या लॉस, एसेट्स और लाइबिलिटीज। घर गुरगिरे जाग जा, जाग जा, गुड मॉर्निंग, थोड़ा जाग जा, जाग गया जे हूं मतलब खोया हुआ दिखा। टोटल चार चीजें बिजनेस में क्या क्या, पहली प्रॉफिट या लॉस, दूसरी एसेट्स और लाइबिलिटीज। प्रॉफिट और लॉस शो होता है पी एंड एल अकाउंट में, एसेट्स और लाइबिलिटी शो होती है बैलेंस शीट में। तो प्रॉफिट और लॉस का हमने प्रोग्राम सारा खत्म कर दिया, जहां पे जब नया पार्टनर एडमिशन होता था, नए पार्टनर की एडमिशन होती थी, तो क्या होता था प्रॉफिट और लॉस का बंटवारा हो जाता था पुराने पार्टनर्स में, पुरानी रेशियो में। प्रॉफिट और लॉसेस को हमने बांट दिया था ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, जहां पे आपके पास WCR का कॉन्सेप्ट भी आ गया था, IFR का भी, सारे प्रॉफिट थे। गुडविल का कॉन्सेप्ट हमारा हो चुका है, ये लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज। यहां पे प्रॉफिट और लॉस को नहीं बांट रहे। देखो होता क्या है, यहां पे बिजनेस चल रहा है 2017 से, अपने एग्जांपल के हिसाब से नया पार्टनर कौन सी डेट पे आ रहा था, 2022 में बिजनेस स्टार्ट हुआ, 2017 में हमारी एग्जांपल से नया पार्टनर आ रहा था 2022 में। अब ध्यान से सोच के बोलना, मतलब मैं ना हर बार एक चीज बोलता हूं कि ये वाले मतलब जो भी लाइन बोलूंगा ना, लड़कों को जल्दी समझ में आती है, क्योंकि वो दुकानदारी से या ऐसे बिजनेस से ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। पर साथ साथ मैं डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ, ऐसा नहीं है कि लड़कियों को समझ नहीं आती, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि लड़कों ने ना ये वाली चीजें आंखों देखी होती है ज्यादा, ठीक है। 2017 में और 2022 में फर्क क्या है, 5 साल का फर्क है। बिजनेस स्टार्ट हुआ कहाँ गया भाई, बिजनेस स्टार्ट हुआ ए और बी से, और यहाँ पे ए बी एंड सी आ गए 2022 में। तो जो 2017 में हमने बिल्डिंग खरीदी होगी, फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू है 40 लाख की, एक बिल्डिंग खरीदी है। मुझे एक बात बताओ, कोई लैंड या कोई प्लॉट है? क्या हुआ जशन, पानी छोड़ दो बस, अब आधे घंटे के बाद पानी, एक तो क्लास में लेट आना, पानी मतलब मेरे को ये नहीं पता नहीं लगता, क्या युद्ध में लड़के आते हो क्या? आधा घंटा या तो 5 मिनट पहले आओ, सीढ़ियां, हाँ मतलब सीढ़ियां ना होगी, मतलब वैष्णो देवी की चढ़ाई हो गई, 25 सीढ़ियां नहीं कुल मिला के, यंग बंदे हैं गबरू, या तो 3:25 पे आओ पानी पुनी पी के, पानी क्या कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, सर को भी साथ साथ पिलाओ, नींबू पानी लेके आओ, वो 3:40 पे कह रहे पानी, 3:35 पे आके। 2017 में हमने एक बिल्डिंग या कोई एक प्लॉट खरीदा था फॉर एग्जाम्पल 40 लाख का। जर्नली सोचना है, डिम्पल के जैसे नहीं, डिम्पल ने तो अभी उल्टा ही बोलना है, एक जर्नली बात करना। 2022 में इस प्लॉट की वैल्यू बढ़ गई होगी या कम होगी, होगी बड़ी नॉर्मल सी बात है। अब इसकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल होगी 45 लाख। एक्सेप्शनल सिचुएशन हमेशा होती है कि वहां पे वैल्यू कम हो गई हो,
जैसे कोई गवर्नमेंट ने उस इलाके को बैन कर दिया हो, ठीक है, या फिर वहां पे सड़कें खराब हुई पड़ी हो, या फिर उस एरिया में फ्लड आ गई हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। एक्सेप्शनल केसेस में प्रॉपर्टीज की वैल्यू डाउन होती है। जनरली अगर आप डिस्कस करोगे ना, हमेशा प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है। अब तो गांव में भी अगर आप देखो, पहले एक किला बिकता होता था, मतलब किसी किसी गांव में 25-30 लाख का। अब अगर आप शंभू वाली साइड या बनूड़ वाली साइड देखेंगे, वहां पे एक किला बिकता है 2.5 करोड़ का, 3 करोड़ का। राजपुरा के जो साथ लगते हुए गांव है वहां पे 1.5 करोड़ का किला है, लेकिन जो दूर वाले गांव है वहां पे होता है 40 से 50 लाख का। कहने का मतलब है, अगर गांव में वैल्यू बढ़ रही है तो सोचो शहरों में तो ऑटोमेटिकली वैल्यू बढ़ेगी। 40 लाख वाली वैल्यू क्या 5 साल में सिर्फ 45 लाख की होगी? जी नहीं, 45 लाख से भी ऊपर होगी। ऐसे ही बिजनेस में कोई और एसेट है। अच्छा, अब ये वाली तो आप लोगों ने बता दी। अब लड़कियां यहाँ पे पता क्या बोलती हैं? सर नॉर्मल सी बात है, आप लोगों ने नाम क्यों लिया था कि लड़कों को समझ में आता है, ठीक है। अब देखना, अब एक मैंने एक कंप्यूटर लिया था, लैपटॉप, जिस लैपटॉप पे मैं काम कर रहा हूँ ये आज से मैंने 3-4 साल पहले लिया था, 71 हजार का, मतलब 70 हजार कुछ का था, 71,000 का। 2018 में लिया था ये लैपटॉप, 2019 में, कोविड से 1 साल पहले, ठीक है। अब इसकी वैल्यू बताओ कितनी हो चुकी होगी? लगभग बढ़ गई होगी या कम हो गई होगी? समझ लो इसकी वैल्यू रहेगी 40-42 हजार, इतनी वैल्यू। अगर मैं आज बेचना चाहूँ ना तो 35-40 हजार का ही बिकेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं उसकी वैल्यू। कहने का मतलब ये है, कभी भी आप लोग ना याद नहीं कर सकते। अब जो ये जो मेरा एक्सपीरियंस था ना, मैं उसी हिसाब से कई बार बोल देता हूँ कि कुछ चीजें लड़कों को जल्दी समझ आती हैं, क्योंकि वो सारा दिन तो बाजार में रुलते रहते हैं, कभी इधर गेड़ी मारेंगे, उधर गेड़ी मारेंगे, रात को 10 बजे घर पहुंचेंगे, ट्यूशन वाले सर के लिए कहेंगे ओ सर 6 बजे क्लास है, वैसे घूमते रहेंगे। तो मतलब उनको मोबाइल वाली दुकानों पे खड़े रहेंगे 1.5 घंटा, क्यों? बस वैसे ही, एक स्पीकर चला दो, दो चला दो, एक स्क्रीन गार्ड लगा दो, दो लगा दो, वो इतनी बातें हो जाती है ना। तो क्या होता है कि लड़के उस माहौल में ना जबरदस्ती ढल जाते हैं। अब कई बार मैं अगर ये बात करूं लैपटॉप की वैल्यू क्या है, अब रटने वाले बच्चे कहेंगे सर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, तो एसेट की वैल्यू हमेशा बढ़ रही होगी। क्या हर एसेट की वैल्यू हमेशा बढ़ रही होती है? फॉर एग्जाम्पल फिक्स एसेट, तो ये भी लैपटॉप भी फिक्स एसेट ही है बेटा। तो लैपटॉप कौन सा? लैपटॉप भी एक फिक्स एसेट होती है। अच्छा अगर मैं कहूँ एसी, एसी मैंने लिया था 35 हजार, इधर एसी मैंने लिया था 35 हजार, एसी की वैल्यू कम होती है कि ज्यादा होती है? फर्नीचर की वैल्यू कम होती है कि ज्यादा होती है? मतलब कहने का 5 साल के बाद हालात बदल जाते हैं। कोविड के टाइम पे गाड़ियां सस्ती हो गई थी स्टार्टिंग में, पहले 6-7 महीने, क्यों? क्योंकि लोगों को पता चल गया था जिंदगी से ऊपर कुछ नहीं है, हमारे घर 5-6 महीने का राशन पानी और दवाइयां है ना, बंदा उस टाइम पे तो यही कह रहा था बहुत है। तो क्या हुआ, कई चीजों की वैल्यू डाउन हो जाती है मौके पे। सर इतना करने की जरूरत क्या है? इतना करने की जरूरत है जब सी आएगा ना, सी कहेगा मेरे को 2017 से कोई लेना देना नहीं है। भाई बात करो आज की, 2017 में क्या कोविड टाइम था? सोच के देखना अपने, मतलब इमेजिनेशन को थोड़ी आंखें बंद करो, 2017 में ले जाओ। कभी सोचा था कि कोविड नाम की कोई चीज हो सकती है? नहीं सोचा था। 2000 जब मार्च में लॉकडाउन लगा था, उससे 1 महीना पहले भी नहीं सोचा था, सिर्फ चाइना में चल रहा था, ठीक है, तो तब भी नहीं हमें पता था। लेकिन कोविड के बाद सिचुएशन अलग हो गई। ये तो एक प्रैक्टिकली जीता जाता एग्जाम्पल है। बिजनेस में भी यही होता है, जब चीजें खरीदी जाती हैं और जब पार्टनर की एडमिशन हो रही होती है ना, वो टाइम फ्रेम में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो जब नया पार्टनर आता है ना, नया पार्टनर कहता है आज की वैल्यू के हिसाब से बताओ बिजनेस की वैल्यू आपकी क्या है, उस हिसाब से मैं गुडविल के पैसे ले आऊंगा। तो उस टाइम पे प्रॉफिट और लॉस को बांट दिया जाता है हर छात नीचे, उस वाले केस में प्रॉफिट और लॉस को बांट दिया जाता है ओल्ड रेशियो में। और जो भी बिजनेस की एसेट्स और लाइबिलिटीज है ना, कुछ कुछ एसेट ऐसी हैं जो 5 साल पहले हैं, कुछ ऐसी हैं जो 2 साल, कुछ 10 साल पहले, तो कहता है आज की वैल्यू निकालो, आज की बिजनेस की वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से मैं बिजनेस में एंटर करूंगा। इसलिए उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बिजनेस में एसेट सारी और लाइबिलिटी सारी को उसी दिन पे मार्केट वैल्यू पे निकाला जाता है। तो कुछ एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, कुछ एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, क्या के लिए? जब हम उसको रीवैल्यू करेंगे। एक होता है वैल्यूएशन, वैल्यूएशन जब आपने खरीदा होगा 2017 में, एक होता है रीवैल्यू, रीवैल्यू मतलब आज की मार्केट वैल्यू निकालो। तो कुछ वैल्यू प्लस हो रही होगी, कुछ माइनस, एट द एंड रीवैल्यूएशन का फिर क्या आ जाएगा, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या फिर लॉस आएगा, वो भी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। जबकि पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, पिछले चैप्टर में हमने यहाँ पे एक डिस्कस किया था जी, पॉइंट कहाँ गया भाई, रिवॉल्यूशन,
पिछले चैप्टर में हमने पॉइंट डिस्कस ये किए थे, दो पढ़ के देखना, याद है किसी को? सर आज तो टेस्ट है, याद कैसे नहीं होगा? या तो रिवाइज्ड वैल्यू को शो करो या ना शो करो। जैसे पिछला टॉपिक था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो भी पिछले चैप्टर में, प्रिया थोड़ा सा फोकस, जो एक्यूमुलेटेड वाला पिछला टॉपिक खत्म हुआ है उसमें भी तो दो टॉपिक होते थे पिछले चैप्टर में, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो या नोट डिस्ट्रीब्यूट, ऐसे ही रिवाइज्ड वैल्यू शो करो या नोट शोन। एडमिशन वाले चैप्टर में ना मैंने बी पार्ट कटवा दिया था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का, नोट डिस्ट्रीब्यूट वाला टॉपिक नहीं होता एडमिशन चैप्टर में, ऐसे ही ये वाला बी टॉपिक भी नहीं होता एडमिशन चैप्टर में, रिवाइज्ड वैल्यू नोट टू बी शोन। करक्स क्या है? करक्स है जो चेंज इन पीएसआर वाला चैप्टर है उसमें ए और बी दोनों पार्ट होते हैं, एडमिशन वाले चैप्टर में सिर्फ ए पार्ट होता है। पढ़ो ए पार्ट क्या है, रिवाइज्ड वैल्यू टू बी शोन। इसका सिंपल मतलब होता है आपको वैल्यू को कम या ज्यादा करना है। एडमिशन वाले चैप्टर में बी पार्ट होता ही नहीं है। सर फिर बी पार्ट लिखा क्यों है? क्योंकि ये तो पिछले चैप्टर के नोट्स हैं, पिछले चैप्टर में तो दोनों पार्ट होते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नोट डिस्ट्रीब्यूट, रिवाइज वैल्यू शोन नोट टू बी शोन। एडमिशन के चैप्टर में बताना क्या होता है और क्या नहीं होता, सिर्फ फर्स्ट पार्ट होएगा, सेकंड पार्ट नहीं होएगा, मतलब कि रिवाइज वैल्यू को शो करने, जो वैल्यू कम है उसको कम कर दो, ज्यादा है उसको ज्यादा कर दो। फॉर एग्जाम्पल हमारा प्लॉट था 40 लाख का, हो गया 45 लाख का, तो 5 लाख का प्रॉफिट हुआ कि लॉस? 40 लाख वाली चीज 45 लाख की होगी, 5 लाख का प्रॉफिट, तो बैलेंस शीट में भी जब जाएगा ना प्लॉट 45 लाख का जाएगा। इसी को बोलते हैं रिवाइज्ड वैल्यू टू बी शोन, मतलब जो न्यू वैल्यू है ना, अपडेटेड फिगर्स हैं, उसी के साथ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी हुआ है, अच्छा मेरे को ध्यान में ही नहीं था। उसके बाद के नीचे के देखो दो नोट्स पढ़ो, रेलिवेंट फॉर ऑल द चैप्टर्स, और वहां पे क्या लिखा हुआ है, रेलिवेंट फॉर दिस चैप्टर, यानी कि सिर्फ चेंज इन पीएसआर वाला। और यहाँ पे डिब्बा पढ़ो ये वाला, प्रॉफिट और लॉस ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट दो, यहाँ पे जबकि सैक्रिफाइस रेशियो निकालनी पड़ती थी। तो कहीं ना कहीं आपको टेस्ट भी रिवाइज करवा रहा हूं मैं। हमारे लिए इस चैप्टर में कौन सा काम है, फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट, तो उसकी जनरल एंट्री बस ये बन जाएगी अगर आपके पास प्रॉफिट हुआ है। अब मेरे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा और जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेगी, तो पहले मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट सिखा रहा हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो किस रूल के हिसाब से बनाया जाता है, नॉमिनल रूल। नॉमिनल रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तीन चार तरह की ट्रांजेक्शन होती है, डेबिट में देखो सारे एक्सपेंसिस और लॉसेस लिखे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको डेबिट साइड पे हेडिंग दिख रही है एक्सपेंसिस या लॉसेस। पहला पॉइंट देखना एसेट्स डिक्रीज, एसेट डिक्रीज हो गई मतलब एसेट की वैल्यू कम हो गई, प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस। एक बार सोच के बोलना, एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, प्रॉफिट या लॉस? लॉस है, तो देखो डेबिट साइड पे लिखा हुआ है। सेकंड पढ़ो लाइबिलिटी इंक्रीज, किसी को मैंने पहले 10 रुपए देने थे या 12 रुपए देने हैं, मेरी लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है, तो डेबिट साइड पे आ रहा है। मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट आपने सिर्फ यही सोचना है प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट है तो इनकम साइड डाल देना क्रेडिट साइड, ठीक बोला मैंने? प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड आएगा, चलो एक बार फिर से बोलता हूँ, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड आएगा, ट्रू या फॉल्स? अच्छा तीसरी आइटम देखो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ऐसी आइटम भी हमने डिस्कस की थी, कोई एक ऐसी लाइबिलिटी जो हमें पता नहीं था लेकिन हमसे मांगने आ गए क्रेडिटर्स, कहते आपके पिताजी ने उधार लिया हुआ था, आपके दादाजी ने उधार लिया होता, आपके दादा के दादा ने उधार लिया होता, वो तो रहे नहीं दुनिया में, दो जी पैसे। अब देखा कागज में लिखा तो हुआ है, दादा के साइन भी हुए पड़े हैं अंग्रेजी में उस जमाने के, तो पैसे देने पड़े ना बिन बुलाए मेहमान, जो वो आपके वो कजन मासी या कजन बुआ नहीं आ जाते घर, ओए भाई कौन आ गया यार, ये वो चीज है। तो मूड खराब होता है खुश होता है, और सर क्या बात है ना। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो लॉस है, तो देखो लॉस वाली साइड पे लिखा हुआ है। इसके तीन अपोजिट क्या क्या होंगे, एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड देखना, पहले तीन आइटम समझ में आ रही है, एसेट्स इंक्रीज लाइबिलिटी डिक्रीज या अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स याद है एग्जाम्पल, सर्दियों के कपड़े अलमारी में रख दिए, जब दोबारा धुल धुल के पहने तो बीच में से 500 का एक नोट निकला, बड़ी खुशी हुई, अनरिकॉर्डेड एसेट, पता ही नहीं था है कि नहीं लेकिन मिल गई, प्रॉफिट हुआ, तो क्रेडिट वाली साइड। अब अगर क्रेडिट वाली साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट वाली साइड का टोटल आया 500, डेबिट वाली साइड का टोटल आया 400, क्रेडिट वाली साइड सारे प्रॉफिट का टोटल है 500 रुपए,
लाइबिलिटी वाली साइड एक्सपेंसेस वाली का टोटल आया 400 रुपए, तो नेट में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है कि लॉस कितने का? अच्छा टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ है? टोटल 500, टोटल खर्चा कितने का है? तो नेट में क्या आया? तो इसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट है ना। तो आप इसको ऐसे सोचो, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट वाली ट्रीटमेंट करनी है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। चैप्टर में ही नहीं है मेरे भाई, सुनो ना, चेंज इन पीएसआर का चैप्टर नहीं चल रहा, ये एडमिशन का चैप्टर चल रहा है। एडमिशन के चैप्टर में शो करना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है, बात खत्म। वो तो मैंने आपको पहले इसलिए डिफरेंस करवा दिया ताकि पता चल जाए पिछले चैप्टर में क्या होता था, इस चैप्टर में क्या होता है। इस चैप्टर में रिवाइज वैल्यू नॉट टू बी शोन या प्रॉफिट नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट की मैं चर्चा एक बार भी नहीं करूंगा, जितनी होनी थी हो गई पिछले चैप्टर को, सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए। तो इसकी जो एंट्री बनेगी वो ये बनेगी एंट्री, अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है, देखना समझ में आ रही है एंट्री, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि 100 रुपया डेबिट टू ए टू बी 50-50। अगर लॉस हुआ तो देखो एंट्री उल्टी हो गई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन लॉस। देखना एंट्री समझ में आ गई है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस की। अब बात करते हैं जो हमने 6 एंट्रीज की है, 6 कौन कौन सी एंट्री, एसेट की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज, लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज, अनरिकॉर्डेड एसेट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, उसकी जर्नल एंट्रीज क्या है, अब वो देखो स्क्रीन पे। पहला चांस देता हूं मैं आप लोगों का, देखता हूं आती है कि नहीं, कौन बताना चाहेगा, कोई एक एंट्री पूछ रहा हूं 6 में से। चलो लभुदे आप बताओ, अगर लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो गई है प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है, इसकी जर्नल एंट्री क्या बन सकती है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, बहुत बढ़िया। जब भी लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो, जब भी प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो। पक्की बात है, जब भी प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दो, जब प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, जब लॉस होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। जब भी लॉस होगा पार्टनर्स कैपिटल को, मैंने तो पार्टनर्स कैपिटल बोला है, सिर्फ 2 या 3 जनों ने मेरे भावनाएं समझी थी और शब्द भी सही बोला था या गलत बोला था? चलो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी? प्रॉफिट है, पहले आप लोग ना ये सोच लिया करो प्रॉफिट है या लॉस है, तो ये प्रॉफिट है, तो आप लोग ना रिवैल्यूएशन पे ध्यान रखना। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है सुखमीन, प्रॉफिट या लॉस? इंक्रीज हो रही है, एसेट की वैल्यू इंक्रीज है तो लॉस है। जाग प्यारे जागो। शिव आप बताओ, लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, प्रॉफिट है कि लॉस है? असिस्टेंट रखे हुए मैं बिना बुलाए और बिन कहे, इस पहले मेरी आवाज पूरी नहीं पहुंचती, 70% पहुंच रही है ये भाई जी, उस तो पहला पहुंचेगी। गुड शिव जी, शिव बताओ, लाइबिलिटी की वैल्यू अगर डिक्रीज हो गई है प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? ठीक है, अब चर्चा कर रहा हूं, मुद्दा लास्ट एक ही क्रक्स की लाइन है, प्रॉफिट अगर होगा रिवैल्यूएशन के बारे में सोचना, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, लॉस अगर होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब पहली एंट्री पढ़ो, पहली एंट्री क्या है? इफ वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज, तो लिखा हुआ मैंने इट इज प्रॉफिट, तो एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन तो क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट में क्या होगा भाई? एसेट्स का नेम यानी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहली एंट्री समझ आ गई है तो मैं आगे चलूं, जिसको डाउट है पूछ लो। अमन आइए समझ, खुशकरण, प्रिया, क्लियर है? सेकंड, अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई है प्रॉफिट है या लॉस है? एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, मेरी एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, प्रॉफिट है कि लॉस है? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जब लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट है तो क्रेडिट, तो एंट्री बन गई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, जो भी एसेट का नेम होगा, फर्नीचर प्लांट जो भी है। अच्छा तीसरा केस देखना, लाइबिलिटीज इंक्रीज, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई है, पहले मैंने किसी को 1000 देना था 1200 देना है, लॉस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? है नहीं जोश नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? जर्नल एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू
लाइबिलिटी, जो भी लाइबिलिटी का नेम होगा, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो भी है, देखना एंट्री ठीक है या गलत है। लाइबिलिटी इंक्रीज लॉस है तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी डिक्रीज प्रॉफिट है, एंट्री ठीक ही हुई है। लाइबिलिटी डिक्रीज है प्रॉफिट है, यानी कि रिवोल्यूशन अकाउंट क्या हो जाएगा और लाइबिलिटी का जो भी नहीं है डेबिट हो जाएगा। अच्छा इसकी एंट्री फिर बताओ ना, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स है प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट है तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्या हो जाएगा, एंट्री बन जाएगी अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। कौन सी एक एंट्री बच गई है, लाइबिलिटी। रणवीर कहता मैं बताऊंगा, मेरे से पूछते ही नहीं, सिर्फ रणवीर कह रहा मेरे से ही पूछना। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की एंट्री लॉस है, जर्नल एंट्री, बहुत बढ़िया डिंपल। लास्ट में अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया, मतलब जर्नल एंट्री ठीक है, जर्नल एंट्री बिल्कुल ठीक है। गर्व अगर रिवैल्यूएशन का लॉस आया, जर्नल एंट्री ठीक है। मनन एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज ठीक है। खुशलीन लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज, जर्नल एंट्री लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जशन लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज, रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी। गुरकिरत रिवैल्यूएशन लॉस आया लास्ट में, जर्नल एंट्री लॉस आया ठीक है या गलत है। प्रिया आप बताना सही एंट्री रिवैल्यूएशन का लॉस, बिल्कुल ठीक है जी। खुशलीन आपकी बारी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया, गलत। लबुदे लीर कहाँ पे खोए हुए आज दोनों बार। अमन एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई, जर्नल एंट्री ठीक है या गलत है। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है, प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस है। खुशकरण एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है, जर्नल एंट्री। अमन थोड़ा ध्यान ना। जशन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, जर्नल एंट्री, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन टू। करण अनरिकॉर्डेड एसेट्स, जर्नल एंट्री, प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट है एंट्री, गलत। प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होएगा, क्या कर रहे हो यार, बांटना नहीं, अनरिकॉर्डेड एसेट है, बांटते तो लास्ट में प्रॉफिट लॉस है। हाँ क्या एंट्री बनेगी, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बुक खोलो जल्दी से, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स को बांटेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एबी। कौन से पहले वाली पूछ रहा है, बोल, टाइम नहीं है मेरे पास, चलो भी चल छोड़ आगे चलो। तो प्रॉफिट हो गया ना सारा, इधर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आपा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। उलझ गया नहीं, ध्यान ना सुनता नहीं है। इल्यूस्ट्रेशन नंबर 50 के आसपास होगा कोई, पहले खोल लो 50 के आसपास। फर्स्ट एंट्री है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, रिवैल्यूएशन का पहला क्वेश्चन ही धमाकेदार। 49 नंबर, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%, कॉपी पे करेंगे, नोट्स वाली जगह पे नहीं करना, करना भाई जहां पे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं ठीक है। जल्दी से एक क्वेश्चन, इसके बाद है टेस्ट, इसके बाद छुट्टी बाकी होगी, एक ही क्वेश्चन करने वाले हम।
अब यहां पे ना 95% जनता पहली एंट्री को गलत बोलेगी, देखना अभी देखना भी पता चल जाएगा। फर्स्ट एंट्री है पास द जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ठीक है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10% बुक वैल्यू, प्रॉफिट है या लॉस है, ये प्रॉफिट है या लॉस है, क्वेश्चन मिल गया सबको। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%, स्टॉक अंडर वैल्यूड है, प्रॉफिट है या लॉस है, ये प्रॉफिट है या लॉस है, दोबारा नहीं बोल रहा, जो लॉस बोल रहे हैं एक बार हैंड रेज करना। हाँ मैं अभी, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच छह सात, ये कैसा हाथ है, ये आप आशीर्वाद दे रहे हैं, जो लॉस बोल रहे हैं वो गलत है। अब मैं आपको बताता हूँ रीजन, देखो क्या है। हाँ मैं भी गलत हूँ, अब जो सीखना चाहते हैं ये वाला पॉइंट सीख लो, ये वाला पॉइंट कभी कभार आता है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला टॉपिक जिसको आता है वो उसको, मतलब मैं समझता हूँ कि हाँ भाई इसने बंदे ने टॉपिक समझा हुआ है, क्योंकि अब ये टॉपिक आएगा ये वाला पॉइंट सिर्फ दिमाग वाला, बाकी उसके बाद नीचे तो नॉर्मल है। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, स्टॉक जो है ना अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यू मतलब उसको कम करके दिखाया गया है, मतलब कि कहने का मतलब, हाँ बुक वैल्यू जो 50, ये एक तरह से अनरिकॉर्डेड एसेट के टाइप की तरह है। देखो क्या है, स्टॉक की वैल्यू ना नॉर्मली होनी चाहिए थी ज्यादा, इन्होंने अंडर वैल्यूड करके दिखाया हुआ है, मतलब स्टॉक को कम दिखाया हुआ है। जैसे मेरे पास 500 रुपए हैं, मैंने लिखा हुआ है कि 400 रुपए, मेरी जेब में है तो 500, लेकिन मैंने डायरी पे लिखा हुआ है 400, तो डायरी के हिसाब से 400 लिखा हुआ है जबकि है 500, मतलब मेरा प्रॉफिट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जो ये स्टॉक इज अंडर वैल्यूड है ना, होना चाहिए था ज्यादा, लेकिन 10% वैल्यू कम करके दिखाई है, तो हम 10% वैल्यू को बढ़ा देंगे, इसलिए हमारा प्रॉफिट है। वैसे जो बच्चे अंडर वैल्यूएशन समझ रहे हैं उसको पता क्या लगेगा, सर ये तो अंडर वैल्यूड है, मतलब वैल्यू कम हो गई, वैल्यू कम नहीं हो गई, वैल्यू कम करके दिखाई गई है, वैल्यू कम लिखी गई है। फिर से लाइन पढ़ो, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, स्टॉक को कम वैल्यू पे दिखाया गया जबकि एक्चुअल में इसकी वैल्यू ज्यादा थी, तो इसकी वैल्यू को हम बढ़ा देंगे। अब टोटल स्टॉक निकालना भी अपने आप में समस्या है कि कितने रुपए की वैल्यू कम दिखाई गई है, क्योंकि अकाउंट्स में हम कभी ये नहीं लिखते अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड, अकाउंट्स में तो हमें एक फिगर लिखनी पड़ती है, एक अमाउंट लिखनी पड़ती है। पहला से आपा तो था इसकी लैंग्वेज पढ़ने में, सेकंड से आपा जो है इसकी वैल्यू निकालने में है। अब स्टॉक की वैल्यू अगर 10% कम दिखाई गई है, परसेंटेज में कितने रुपीज होते हैं, वैसे नॉर्मली परसेंटेज में 100 रुपए होते हैं ना, परसेंटेज मतलब 100 रुपए। किसी चीज की वैल्यू अगर आपने 10% कम दिखाई हुई है, मतलब आपने उसकी वैल्यू कितने परसेंट दिखाई है, फिर 90। हर चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। आपने कोई स्टॉक ना 10% से कम दिखाया गया है, मतलब कि आपने उसको एज अ 90% पे दिखाया गया है, तो अगर मेरे को इसको 100 पे लेके आना है ना, प्लस 10% जो कर रहा है वो भी गलत है। अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू देख लेना। अब स्टॉक को हमने दिखाया हुआ है 54,000, तो ये जो 54,000 है ना, ये अपने आप में 90 के बराबर है, ये 100% नहीं है, मेरे को वैल्यू चाहिए 100%। अब एक काम की बात, प्लस प्लस कुछ नहीं, अब एक काम की बात सुन लेना, तीन चार चैप्टरों में काम आएगी। जब भी कोई वैल्यू निकालनी होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी किसी वैल्यू को बेस लेते हैं, बेस यानी कि उसको डिवाइड करते हैं, तो ये जो 54,000 है ना, ये अपने आप में 90% के बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैं नहीं बोल रहा, कहीं आप कहो कि सर बोल रहे हैं, सर मुश्किल करा रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी वैल्यू 10% कम से दिखाई हुई है, तो मतलब इसको जो आपने दिखाया हुआ है वो 90 के बराबर दिखाया हुआ है। 54,000 इज इक्वल टू 90 के बराबर। हमें एक्चुअल वैल्यू कितनी चाहिए, परसेंटेज कितना होता है अपने आप में, तो जो चीज कैलकुलेट करनी होती है ना, फाइंड आउट करनी होती है, उसको हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे मैथ का क्वेश्चन हो, चाहे अकाउंट्स का क्वेश्चन हो, चाहे इकोनॉमिक्स का, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करके ना एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, तो मतलब एक्चुअल वैल्यू ये निकलेगी 60,000 रुपए, अगर आप इसको सोल्व करोगे, तो कोई वैल्यू सच में थी 60,000। अब 60,000 का 10% निकाल लो, अपने आप 6,000 आ जाएगा,
तो आपने टोटल वैल्यू का 10% कम किया हुआ था, 54,000 का नहीं कम किया हुआ था। बच्चे पता क्या करते हैं, 54,000 इंटू 10/100, यार 54,000 तो 100 के बराबर ही नहीं है, वो तो 90 के बराबर है, इसलिए पहले उसकी वैल्यू निकाली, डिवाइड 90 से करके इंटू 100 से करके, तो ये आ गई उसकी फुल वैल्यू। बाकी आप 60,000 में से 54,000 माइनस कर दो, यानी कि 6,000 आपने कम दिखाया हुआ था। एक तरीका ये होता है, दूसरा तरीका होता है 60,000 का 10% निकाल लो, वो भी 6,000 आएगा। सर अगर इसकी वैल्यू 25% ज्यादा दिखाई होती तो मतलब आपका जो 54,000 है वो 125 के बराबर हो जाता, तो फिर आप 125 से बेस लेते। हमेशा मल्टीप्लाई 100 से करना है, ये याद रखना, क्योंकि करेक्ट वैल्यू तो अपने आप में परसेंटेज 100 ही होती है ना, तो एक चीज आप याद रख लो, मल्टीप्लाई हमेशा 100 से होना है। ओवर वैल्यू है तो नीचे 125 ले लेना, अंडर वैल्यूड है तो माइनस करके लिख लेना 100 में से। अच्छा एक और फिर उसके बाद करते हैं, अगर वैल्यू 15% कम दिखाई होती, अभी इस हमारे क्वेश्चन में क्या था, 10% कम करके दिखाई हुई है ना, यानी कि 90 के बराबर। मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं हमेशा की तरह, क्योंकि मुझे उंगली करने की आदत है। अगर वैल्यू डिक्रीज्ड बाय 15% होता, मल्टीप्लाई हमेशा, क्योंकि 100 हमेशा एक्चुअल वैल्यू होती है, करेक्ट वैल्यू होती है, तो हमारे क्वेश्चन में ये आ जाएगा। अच्छा हमारे क्वेश्चन में भी क्या था, 90 इंटू 100, तो जो इसकी करेक्ट वैल्यू है वो 60,000, आप लोगों ने दिखाई हुई है 54,000, तो 6,000 से वैल्यू बढ़ा देंगे। ठीक है बनाओ फॉर्मेट, जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं हम, एक बार बस नहीं कराने को, तो मैं याद भी करा ही सकता था ना, कि जब क्या कहते हैं वैल्यू कम है तो 100 में से 10 कम करके नीचे लिख देना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। मेरे पास तो हर चीज को मतलब टाइम वेस्ट करने का 5 गुना टाइम होता है ना। हाँ फर्स्ट एंट्री मेरी पता है क्या बनेगी, अब ये मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट के लिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, तो एंट्री बनेगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ तो ये आ जाएगी 54,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 इज इक्वल टू 60,000। 60,000 एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए थी, बुक वालों ने कितने पे दिखाई हुई है, 54,000 पे, तो मेरा प्रॉफिट कितने का बच रहा है अभी, 6,000 का, तो एंट्री 6,000 से होगी, जितना कम करके दिखाया हुआ एंट्री उतने से होगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो प्लस टू वालों के लिए एक चैलेंज देखते हैं, 5 मिनट में क्वेश्चन खत्म होता है, 5 मिनट में क्वेश्चन खत्म ना हुआ तो बंद कर देंगे, वो आपकी तरफ से, वो आप लोगों की इंसल्ट होगी, कोई चक्कर नहीं सर, भेजते हैं तो हम वैसे ही बहुत कराते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10% और वैल्यू दी हुई है 66,000। अब स्टॉक की वैल्यू को बढ़ा के दिखाया गया ना, वैल्यू थी नहीं इतनी, वैल्यू इतनी थी नहीं, लेकिन इसको बढ़ा के दिखाया गया है, मतलब मेरे लिए घाटा है, मतलब वैल्यू होनी चाहिए थी कम, हमने करके दिखाई हुई है ज्यादा, तो ये मेरे लिए लॉस है। एंट्री नंबर टू, मनन आया समझ या नहीं आया, टोटल वैल्यू दिखाई हुई है 66,000, कितने परसेंट ओवर वैल्यू है, मतलब होना चाहिए था 100, इन्होंने करके दिखा दिया 110, आप ऐसे भी समझ सकते हो 100 प्लस 10, नहीं तो नॉर्मली मुश्किल कैलकुलेशन है दिमाग में भी कर सकते हो 100 प्लस 10 110, और हमेशा करेक्ट वैल्यू कितने के बराबर होती है 100 के, तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, जब भी वैल्यू निकालनी होती है तो मल्टीप्लाई, जिसको बेस लेते हैं डिवाइड, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू थी 60,000, हमने दिखा दिया 66,000, जबकि उतने की तो मेरे पास है ही नहीं, तो करो इसको डाउन, तो ये मेरे लिए लॉस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। बुक वालों ने इसको 6,000 लिया हुआ था, मैं होता कभी भी ना लेता, कोई वैल्यू चेंज करते ना, ऊपर 6,000 है नीचे 2-4 हजार लेते, 10-12 हजार लेते। एंट्री नंबर 3 पढ़ो, पहली दो एंट्रियां सबसे मुश्किल है रिवैल्यूएशन की, बाकी सारी आसान है। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज टू 5 लाख, बुक वैल्यू का मतलब याद है, कल ने और परसों बताया था, बुक वैल्यू मतलब परचेज वैल्यू, कहां पे शो होती है ये, बैलेंस शीट में, तो परचेज किया था 4 लाख, अब इसकी वैल्यू हो गई 5 लाख, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट हो गया, एंट्री कर दो, प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा ना,
लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितने से कितने का प्रॉफिट हुआ है? तो यहां पे हमने लिखना प्रॉफिट और लॉस है, टोटल वैल्यू नहीं लिखनी। नेक्स्ट एंट्री बोलो यार मेरे, सेम नहीं होगी मेरी तरफ से शर्त। एक 5 रुपए वाली मिल्की बार फ्री, डीके गोयल की बुक में होता ही नहीं। ओ नहीं, ओ नहीं होता। 5-5 रुपए की शर्त लगी, कौन कौन शर्त लगा रहा है 5-5 रुपए की? चल अर्श, इतनी बड़ी रकम चुका पाएगा? और किसी ने शर्त लगानी है? चल अब दिया हुआ है जशन, एक बार पढ़ना लाइन पढ़ना। अब वर्ड जो है ना लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय, मतलब इतने से वैल्यू बढ़ गई, कम से कम यह गुरु की रोत ने स्टैंड नहीं छोड़ा ना जी, आप शर्त नहीं लानी क्योंकि पता ऐसा ही है। डीके गोयल की बुक ना मतलब ऐसी है, मतलब मैं आंखें बंद करके भी शर्त लगाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। 99.999999% अल्टीमेटली 100% सही है डीके गोयल की बुक। टीचर को या स्टूडेंट को सोचना पड़ेगा, जब भी कभी आपसे आंसर भी ना निकले ना, समझ लेना हम भी मारे हैं। मेरे से ना निकले तो समझ लेना सर भी मारे हैं, मतलब इतना ट्रस्ट है इस वाली बुक पे। ये बहुत एरर फ्री बुक है। तो अब ना बाय है, बाय का मतलब होता है इतने से वैल्यू बढ़ गई। पहले था इतने तक पहुंच गई वैल्यू, 5 लाख तक, अब है इतने से बढ़ गई, तो टोटल वैल्यू 9 लाख की होगी होगी। हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 5 लाख से। अगली एंट्री बोलो, मेरा तो क्वेश्चन ही गुम हो गया। मनन आप जशन के साथ देख लोगे यार। रिटर्न ऑफ हो गए, एंट्री नंबर 5, अ डेटर हुज ड्यूज, नहीं नहीं ये भी नहीं, अ डेटर हुज ड्यूज 40,000 वाज रिटर्न ऑफ। वाज रिटर्न ऑफ का मतलब लिखो, वाज रिटर्न ऑफ का पहले मतलब लिखो, हमने पहले ही डूबा हुआ मान लिया था, हमने पहले ही लॉस मान लिया था। लिखो बुक पे वॉज रिटर्न ऑफ को, लिखो हमने पहले ही लॉस मान लिया था। ऑलरेडी मेरा लॉस मान लिया था, मैंने ऑलरेडी इसके लॉस को रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन कोई किस्मत का दिन आया जब इसने क्या किया, पेड 30,000, बेचारे ने अब 30,000 दे दिए। मैं सोच बैठा था 40 का 40 क्या है, डूब गया है, लेकिन अब मेरे को 30,000 मिल गए, तो ये मेरा 30,000 का प्रॉफिट है। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, जिसको नहीं समझ आया पूछ लो एक बार फिर से। एक बार लैंग्वेज पढ़ो इस क्वेश्चन की, देखो ये वाला पॉइंट समझ में आया सच में। ये क्वेश्चन है कि एक डेटर था जिससे 40,000 लेने थे, वोज रिटर्न ऑफ, वोज का मतलब होता है पास्ट में, हमने उसको रिटर्न ऑफ मतलब हमने उसको लॉस अनाउंस कर दिया था, मतलब मैंने उस 40,000 को एज अ लॉस पहले रिकॉर्ड कर लिया था। मेरे को लगा डूब गया था, मैं किसी दिन अच्छा दिन कोई निकल के आया, अब वो मेरे को पैसे दे गए, पहले मैंने 40 को पूरा का पूरा लॉस समझ लिया था, अब फिर जो दे गए मेरा सारा का सारा प्रॉफिट है। चाहे इस पूरी ट्रांजैक्शन में 10,000 का नेट लॉस हुआ है, लेकिन अलग अलग है, पहले 40,000 का मैंने लॉस समझ लिया था, अब 30,000 का प्रॉफिट है। नेक्स्ट, ओल्ड कस्टमर, छोड़ दो अभी उसको, अभी के लिए बहुत है। एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ हैज प्रॉमिस टू पे इन फुल सेटलमेंट, कितना 15,000 थे प्रोमिस टू पे, 15,000। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है ना 15,000 वाली एंट्री, अच्छा यहाँ पे ना एंट्री उसने बैंक वाली की होगी, मैंने आपको डेटर लिखवा दिया था, वहां पे बैंक आना चाहिए ना, उसने पे कर दिए। ऊपर वाली एंट्री में ना जो 30,000 वाली है, डेटर काट के बैंक लिखो उसको, क्योंकि उसने पे कर दिए होंगे ना। अगली एंट्री में सिर्फ उसने प्रोमिस की है, छोड़ दो कोई बात नहीं, बैंक टू रिवैल्यूएशन है वो भी सही है, पैसे मिल गए। अगली एंट्री में है कि एक डेटर है 25,000 लेने थे, 15,000 उसने प्रॉमिस कर दिया, दिए नहीं, कह रहा है दे दूंगा, तो मेरे लिए तो प्रॉफिट है ना, पैसे तो मिलेंगे। अब यहाँ पे बैंक की जगह कर दो डेटर अकाउंट डेबिट, ये मेरा डेटर बन गया। डेटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अमाउंट आएगी बेटा 15,000 से, क्योंकि उसने 15,000 का प्रॉमिस किया है। सर इस एंट्री में भी देखा जाए हुआ तो 10,000 का लॉस ना, बिल्कुल
अल्टीमेटली ट्रांजेक्शन में तो मेरे को लॉस ही हो रहा है ना, लेकिन हम वो बात नहीं कर रहे। हमने रिटर्न ऑफ कर दिया था पहले, हमने 25,000 का इसको लॉस मान लिया था, 15,000 मिल जाएंगे, मिले नहीं है। अगली एंट्री अ लाइबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स 20,000, सेटल्ड एट 16,000। शिव ट्रांजेक्शन पढ़ो मेरे भाई, समझ नहीं आएगा। बुक नहीं है, कहाँ है आप दोनों की? तो खुद एक्टिवा में क्यों नहीं बैठ के आता? मतलब मैं सोच रहा हूँ मेरी कोई ढाई मिनट हुई में आंखें खुल गई ना इधर उधर से, कल से मैंने भगा देने डंडे डूंडे मार के, और तेरा घर तो मेरे घर के सामने ही है, भूल जाता है क्या? कभी बुक नहीं लेके आ रहे, कभी क्या नहीं करके आ रहे, बैठे हैं दोनों, कल वो दोनों बैठे थे इधर उधर से, आज वो दोनों बैठे हैं। शिव बुक कहाँ है आपकी? 20,000 पे किसी से, 20,000 किसी से लेने थे या देने थे? क्रेडिटर्स है यार, 20,000 हमने देने हैं। ठीक हुए यार, क्रेडिटर को पैसे लेने होते हैं कि देने होते हैं? किसी को पैसे देने हैं। 20,000 सेटलमेंट हुई 16,000 की, 4,000 का क्या हुआ? प्रॉफिट। 20,000 देना था, सेटलमेंट हुई 16,000 में, तो 4,000 का प्रॉफिट हुआ। लाइबिलिटी अकाउंट का नाम दिया हुआ है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। हाँ गर बोल। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 4,000। अगली एंट्री कल करेंगे। अभी आप इतना करो, अभी के लिए बस ये है कि लो से गर्म बोल, क्या डाउट है?